हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और एमडीज गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, वीडियो की शुरुआत ये मेरे ग्राउंड फ्लोर का गार्डन है, वहाँ से कर रही हूँ। तो ये देखिए, टगर का फूल है, चांदनी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ टगर बोलते हैं। तो देखिए, इसका प्लांट बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है अभी। और देखिए, आज के वीडियो में मैं अपराजिता के बारे में बात करने वाली हूँ। तो उसी की केयर के बारे में बात करूँगी कि मैं उसको किस तरह से रखती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये अपराजिता का प्लांट है और देखिए कितने खूबसूरत इसके फूल हैं। ये देखिए, ब्लू कलर की अपराजिता है मेरे पास और ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और दो तीन साल से है मेरे पास और बड़े से गमले में मैंने लगा दी है, तो इसी वजह से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो मिट्टी की बात करें तो वेल ड्रेन सोयल इसको पसंद है, सभी प्लांट्स को पसंद है, वैसे ही मैं मिट्टी बनाती हूँ इसके लिए भी। और ये देखिए, एक बहुत ही शुभ प्लांट है और ये मेडिसिनल प्लांट है। तो देखिए, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी पत्तों से लेकर फूल, इसकी जड़ बहुत ही अच्छी होती है, किसी न किसी रोग में ये यूज़ होती है। तो ये आपके हमारे घर में होना ही चाहिए, तो आप इसको ज़रूर लगाएं। तो देखिए, मैंने तो यहाँ पे लगाया है जहाँ पे उसको दो तीन घंटे की सुबह की धूप मिलती है, तो इसी तरह से ये ग्रो होता रहता है। और देखिए, बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। और देखिए, इसकी फलियाँ जहाँ भी गिरती है वहाँ से एक नया पौधा बनने लगता है और एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और पूरा ये ग्रीन ग्रीन रहता है। तो आपको कोई ऐसा प्लांट चाहिए, देखिए ये इसकी फली बन रही है, तो कोई ऐसा प्लांट चाहिए आपको कि पूरा ग्रीन ग्रीन रखे आपके गार्डन को, तो ये इसकी बेल को ज़रूर लगाएं। और देखिए, इसमें भी ये उग गई है एक, ये फली यहाँ गिर गई होगी और ये देखिए यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, देखिए इसी में, इसी पॉट में कहीं से ये उग गया है, दूसरे गमले में देखिए यहाँ पे है, उसके फूल भी आ रहे हैं। तो मुझे तो ये प्लांट बहुत पसंद है, देखिए कितने खूबसूरत फूल है। तो देखिए, मुझे याद भी नहीं कि कब मैंने इसको खाद दिया था, तो भी ये इतनी अच्छे से ग्रो कर रही है, शायद साल में एक आध बार मैं देती होंगी। ये बहुत ही एक हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और देखिए, इसके फूल कितने सुंदर है, ब्लू कलर के। मैं तो इसकी टी बना कर भी पीती हूँ, ग्रीन टी जैसी इसकी चाय बना देती हूँ और पूरा ब्लू कलर की चाय हो जाती है और बहुत ही अच्छी है हमारे शरीर के लिए भी। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप भी ज़रूर लगाएं, और किसी भी नर्सरी में ये आसानी से मिल जाने वाला प्लांट है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो देखिए, वीडियो का एंड ये मनी प्लांट के प्लांट से कर रही हूँ, गमले में मैंने लगाया है वो बेल। तो देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते आए हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो देखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि सभी मेरे नए वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ, उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।